आदरणीय मांझी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं और मांग किया है उन्होंने एक मंत्री पद और एक एमएलसी का, तो अब तो हम लोगों के दावे में दम दिख रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये अंतर विरोध में सरकार अपने गिर जाएगी, ये सरकार वेंटिलेटर पर है बिहार की। दो नंबर की पार्टी वाले बीजेपी ने दो दो डिप्टी सीएम ले लिए, तो आदरणीय मांझी जी के हाथ में एनडीए के नाव का पतवार है। मांझी जी के बैसाखी पर ही एनडीए सरकार है, तो आदरणीय मांझी जी की मांग बिल्कुल जायज है कि उनको एक मंत्री पद एक एमएलसी मिलना चाहिए। बल्कि हम तो कहेंगे कि मांझी जी को एक डिप्टी सीएम की मांग करनी चाहिए, जब बीजेपी दो दो डिप्टी सीएम ले सकता है और मांझी जी के ही बैसाखी पर एनडीए सरकार है, तो मांझी जी को दबाव बनाना चाहिए, डिप्टी सीएम मिलना चाहिए उनको, उनका हक बनता है। आदरणीय मांझी जी और बीजेपी जेडीयू एनडीए के अंदर खाने भारी घमासान मचा हुआ है, जो अंतर कलह दिख रहा है, अब खेल शुरू हुआ है। आदरणीय मांझी जी के बयानों से बहुत कुछ समझा जा सकता है, इसलिए ये सरकार बिहार की बचने वाली नहीं है, किसी भी समय गिरेगी और इसे बचा सके कोई तो बचा ले।